बेहतरीन मैच चलता हुआ संतोष दा फर्स्ट सेमीफाइनल खेल खेल रही है दोनों ही टीम एसी ब्लैक टेल को जमशेदपुर बनाम जीपीएस एकादश बलरामपुर वेस्ट बंगाल के बीच। एसी ब्लैक टेल को जमशेदपुर के पैर में गेंद, रायसेन की लंबी किक, गौरवमुखी को ढूंढना चाहा। गौरवमुखी गेंद को अपने कब्जे में करने के बाद विमल कुमार गेंद को अपने कब्जे में करने के बाद थोड़ी सी बैक पास गौरवमुखी के लिए, गौरवमुखी की थ्रोइंग पास यहां तक मौका बन सकता है। बेहतरीन खेल खेल रही है दोनों ही टीमों ने, कुछ हद तक दबाव बनाने में सफल जरूर हुई है एसी ब्लैक टेल को जमशेदपुर की टीम संतोष दा निसंदेह। राहुल मुखी एक खिलाड़ी को छक्का के बाद इस बार अच्छी जगह पर गेंद, यहां से क्रॉस की दरकार भी, अच्छी क्रॉस आई, अच्छी बचाव और इसी बीच गेंद को चेस्ट करते हुए गोरा चांद वही जीपीएस एकादश के पैर में गेंद छिना गया। पुनः रायसेन गेंद को अपने कब्जे में करने के बाद थोड़ी सी बैक पास अपने छोटे भाई बसंत के लिए, पुनः गेंद बसंत हंसदा अपने इस बार छोर को बदलते हुए इस बार दाहिने छोर से बेहतरीन जगह पर गेंद उठाया गया है और इसी के साथ अच्छी खेल खेल रही है। अभी भी गेंद पर बने हुए हैं एसी ब्लैक टेल को जमशेदपुर की टीम में। रायसेन गेंद को अपने कब्जे में करने के बाद लेफ्ट विकेट की बढ़िया किक जरूर आई थी
चिपलॉक आता हुआ जीपीएस से एकादश बलरामपुर की ओर से इस बीच लंबी किक के जरिए काउंटर अटैक पर निकल चुकी है। अच्छी क्लियरेंस की जाएगी टेलपॉक के खिलाड़ी द्वारा। बसंत हंसदा गेंद को अपने कब्जे में करने के बाद अपने साथ ही खिलाड़ी को देना चाहे, गलत पास जरूर आए थी, गेंद पर बने हुए हैं अभी भी जीपीएस से एकादश बलरामपुर की टीम। गेंद को अपने कब्जे में करने के बाद अच्छी पास, यहां से बढ़िया पास करना चाहा, अभी भी गेंद पर बने हुए हैं। इस बार गेंद को अपने कब्जे में करने के बाद थोड़ी सी होल्डिंग प्ले दिखाते हुए जीपीएस एकादश बलरामपुर लंबी किक लूपिंग किक कोई क्षति नहीं। इस तरह से गेंद पर एसी ब्लैक की टीम राजसेन हंसदा गेंद को अपने कब्जे में करने के बाद अपने साथी खिलाड़ी को निहारते हुए अच्छी पास गौरव मुखी के लिए। गौरव मुखी गेंद को अपने कब्जे में करने के बाद थोड़ी से बैक पास पुनः गौरव मुखी, राहुल मुखी को गेंद सौंपे है। राहुल मुखी गेंद को अपने कब्जे में करते हुए अच्छी पास कही जाएगी राजसेन हंसदा के पैर में गेंद, राजसेन की अच्छी किक गोराचांद के लिए। गोराचांद थोड़ी सी बैक पास बसंत के लिए, बसंत इस बार राइट छोर पर गेंद को सौंपे है। यहां से मौका बनाने का प्रयास करते गुंजन टूडू की अच्छी क्रॉस आई, यहां से विमल कुमार, वाह, और इसी के साथ फाउल करते हुए बुकिंग भी आई। अच्छी डिसीजन शंभू बिश्रा जी, शंभू बिश्रा की बात की जाए तो बेहतरीन निर्णायक में से एक के इस क्षेत्र में जाने जाते हैं। इनको बेहतर डिसीजन देने के लिए जानते हैं। नतीजा आज फर्स्ट सेमीफाइनल खेल खिलाते हुए एसी ब्लैक टेल को जमशेदपुर बनाम जीपीएस एकादश बलरामपुर वेस्ट बंगाल की टीम को बढ़िया किया है अभी तक के खेल में दोनों ही टीमों ने नहीं संदेह। वही से मौके की तलाश में होगी, किक करने का मौका जरूर मिलेगा एसी ब्लैक टेल को, जमशेदपुर की टीम को। वाल के रूप में जीपीएस एकादश की ओर से चार चार खिलाड़ी नजर आते हुए वही रणनीति बना रहे हैं एसी ब्लैक टेल को की टीम में। ये किक की कौन सी खिलाड़ी लेते हैं ये देखने वाली बात है। तीन तीन खिलाड़ी इस गेंद को किक के लिए तैयार है। गौरव मुखी, शुक्लाल कुंकाल, गौराचंद मार्डी, जयंत महतो पूरी तरह से रेडी में है। इनडायरेक्टली क्योंकि डबल टच होना जरूरी, टच भी आई थी, मौका जरूर बना था। अच्छी ब्लॉक आता हुआ जीपीएस से बलरामपुर की ओर से, इसे भी बसंत की अच्छी क्रॉस, हेडर की दरकार होगी, हेडर भी आई। वाह वाह क्या ही अंदाज, शुक्ला कुंकाल के द्वारा बेहतरीन हेडर के जरिए 1-0 की बढ़त बनाकर खेल रही है एसी ब्लैक टेल को जमशेदपुर की टीम। इस तरह से जो दबाव बनाए थे उसमें पूरी तरह से निखर कर आए हैं और इस तरह से 1-0 की बढ़त बनाने में सफल हुई है अभी तक एसी ब्लैक टेल को जमशेदपुर की टीम। निश्चित तौर पर बेहतर करना होगा जीपीएस एकादश बलरामपुर की टीम को भी, इन्हें भी वो क्षमता है जो
एसी ब्लैक टेल को जमशेदपुर के खिलाड़ियों में है। इस बीच गौरा चांद गेंद को अपने कब्जे में करने के बाद थोड़ी से बैक पास विमल कुमार के लिए, विमल कुमार बसंत हंसता अपने भैया राशन को गेंद सौंपे थे। यहाँ से अभी भी बसंत हंसता के पैर में गेंद, इस बार छोर को बदलते हुए दाहिने छोर से आक्रमण की ओर बढ़ते हुए अच्छी पास तो नहीं कही जाएगी, अच्छी इंटरसेप्शन कही जाएगी जीपीएस कादस बलरामपुर की ओर से। गेंद को अपने कब्जे में करने के बाद यहाँ से मौके की तलाश में अच्छी क्लियरेंस कही जाएगी। थ्रोइंग हो चुकी है, बिल्कुल हैंडबिल में साफ तौर पर यह लिखा है हुसैन कि सेमीफाइनल में जो भी पहला गोल करेंगे इन्हें परेश हंसदा जो कि झारखंड पुलिस के जवान हैं उनके द्वारा 500 रुपये दी जाएगी। बिल्कुल इनका हकदार सुखलाल कुंकल बन चुके हैं। आज सुखलाल कुंकल ने एक बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मैच के दरमियान में बहुत ही अच्छी गोल कंसीडर कर चुकी है। इस तरह से अभी तक कि अगर खेल की बात करें तो बिल्कुल यहां पर एसी ब्लैक टेल को काफी हौसला बुलंद के साथ मैच को खेलते हुए जी बिल्कुल संतोषदायक। निश्चित तौर पर विगत वर्ष यानी पिछले साल के विजेता यानी चैंपियन टीम में है एसी ब्लैक टेल को जमशेदपुर, और उसी के नक्शे कदम पर इस वर्ष भी अग्रसर हो चुकी है। अगर बढ़त को कामयाब रख पाते हैं तो निश्चित तौर पर इस वर्ष भी फाइनल खेल खेलने का गौरव हासिल करेंगे एसी ब्लैक टेल को जमशेदपुर। एसी ब्लैक जमशेदपुर की बात की जाए इस मैदान को भली भांति जानते हैं, सबसे कामयाब टीम की बात की जाए अगर इस मैदान पर तो वो है एसी ब्लैक टेल को जमशेदपुर। बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी तक रोमांचक मुकाबला खेला है। वही अगर बात करें जीपीएस एकादश बलरामपुर वेस्ट बंगाल की तो ये भी टीम कम नहीं है। इस टीम में भी कई अच्छे खिलाड़ियों का समावेश है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रतन महतो और यहाँ पर श्यामल जैसे खिलाड़ी टीम में शामिल हैं। काफी कुछ खेल की रूप पलट सकती है। फिलहाल यहाँ पर अच्छी खेल खेलनी होगी टीम जीपीएस बलरामपुर वेस्ट बंगाल को। जी बिल्कुल संतोषदा, बेहतर करना होगा, गेंद को अधिक से अधिक के अपने पाले में रखना होगा, गेंद पर पूरी तरह से पकड़ बनाएंगे तो निश्चित तौर पर आप भी वो करने में सफल होंगे जो एसी ब्लैक टेलकों के टीम में को हुई है। निश्चित तौर पर बेहतर खेल खेल रही है दोनों ही टीम। टेलकों के पैर में गेंद, गलत पास, थ्रोइंग करने का मौका बलरामपुर की टीम को। बलरामपुर की टीम थ्रोइंग हो चुकी है, अच्छी थ्रोइंग, अच्छी ब्लॉक आता हुआ, और इसी के साथ गेंद को अपने कब्जे में करते हुए टेलको के खिलाड़ी अच्छी पास राशन गेंद को अपने कब्जे में करने के बाद साथी खिलाड़ी को तलाशना चाह, गलत पास आई और इस तरह से गेंद को क्लियर करते हुए जीपीएस एकादश बलरामपुर की टीम में थ्रोइंग करने का मौका जरूर बनेगा टेलको की टीम को। गेंद को पहुंचा देंगे कमेटी के वॉलंटियर्स, गेंद को पहुंचा देंगे मंच की ओर। अच्छा इसी बीच फ्री किक हो चुकी है जीपीएस से एकादश बलरामपुर की ओर से। गेंद को अपने कब्जे में करने के बाद इस बार
छोर को बदलते हुए छिना गए, गेंद पुनः चली आई टेलको के पैर में, गुंजन टूडू होंगे। गेंद को अपने कब्जे में करने के बाद क्रॉस भी हुई उनकी द्वारा, अच्छा ब्लॉक आता हुआ बलरामपुर की ओर से। गेंद को अपने कब्जे में करने के बाद अच्छी जगह पर गेंद, यहां से मौके की तलाश में बलरामपुर, मौका बन सकता है। गेंद को अपने कब्जे में करने के बाद अच्छी पास तो नहीं कही जाएगी, अच्छा ब्लॉक आया राजसन के द्वारा, थ्रोइंग हो चुकी है बलरामपुर की ओर से। अच्छी क्रॉस, हेडर की दरकार होगी, हेडर से चुके। इस तरह से गेंद को अपने कब्जे में करते हुए टेलको के खिलाड़ी बसंत हंसदा अपने साथी के लिए, गौरव मुखी अपने साथी खिलाड़ी को गेंद सौंपे। गेंद इस तरह से सीमा रेखा से बाहर, थ्रोइंग करने का मौका, थ्रोइंग हो चुकी है। टेलको की टीम को थ्रोइंग करने का मौका, थ्रोइंग हो चुकी है। गेंद को अपने कब्जे में करते हुए बलरामपुर गेंद को अपने कब्जे में करने के बाद लूपिंग किक के जरिए अपने साथी खिलाड़ी को तलाशना चाहा, अच्छी ब्लॉक आता हुआ जयंत महतो की ओर से, अच्छी क्लियरेंस। इस तरह से थ्रोइंग, बलरामपुर की टीम थ्रोइंग हो चुकी है। गेंद को एक्सेप्ट करने के बाद थोड़ी से बैक पास के जरिए गेंद को बनाने का प्रयास करते हुए छोर को बदला है इस बार, मौके की तलाश में बलरामपुर के खिलाड़ी। अच्छी जगह पर पास बिरबल को सौंपे है, बिरबल अपने साथी खिलाड़ी के लिए। अच्छी जगह पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, थ्रोइंग। और इसी के साथ फर्स्ट हाफ का मैच समाप्त। और इसी के साथ सेकेंड हाफ का खेल शुरू होता हुआ, सेकेंड हाफ के खेल में दोनों ही टीम और बेहतर करना चाहेंगे। इस बीच गुंजन टूडू की अच्छी स्किल ले राहुल मुखी के लिए, राहुल मुखी अच्छी बलरामपुर के पैर में गेंद। बलरामपुर इस बार दाहिने छोर से आक्रमण, इस बीच गुंजन टूडू के पैर में गेंद। गुंजन टूडू गेंद को अपने कब्जे में करने के बाद अच्छी पास बसंत के लिए, बसंत अपने साथी खिलाड़ी दिलीप किंडू के लिए, दिलीप अपने साथी खिलाड़ी राहुल मुखी को गेंद सौंपे हैं। राहुल मुखी इस बार अच्छा इंटरसेप्शन कही जाएगी बलरामपुर की ओर से। इसी बीच यहाँ से मौके की तलाश में बलरामपुर के खिलाड़ी जयंत महतो की अच्छी क्लियरेंस आई। इस तरह से थ्रोइंग हो चुकी है बलरामपुर के पैर में गेंद। यहाँ से मौके की तलाश में अच्छी किक जरूर आई थी, थोड़ी सी दिशा से भटके, कोई फायदा नहीं होगी गोल किक के करने का मौका। ऐसी ब्लैक टेल को जमशेदपुर की टीम को थ्रोइंग हो, किक हो चुकी है। बलरामपुर के पैर में गेंद, गेंद को अपने कब्जे में करने के बाद अच्छी पास समानांतर पास के जरिए अपने साथी खिलाड़ी के लिए। लुपिन
किक के जरिए अपने साथी खिलाड़ी को तलाशना चाहा। गलत पास जरूर आए थे, पुनः गेंद चले आए बलरामपुर के पैर में। बलरामपुर गेंद पर बने हुए हैं, अभी भी गेंद के नीचे बलरामपुर के खिलाड़ी जरूर थे, क्लियरेंस से जरूर आई थी टेलको की ओर से। टेलको के पैर में गेंद, रायसेन हंसदा गेंद को अपने कब्जे में करने के बाद काफी तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ते हुए, थोड़ी सी होल्डिंग प्ले दिखाते हुए रायसेन इस बार गौरवमुखी के लिए। गौरवमुखी गेंद को अपने कब्जे में करने के बाद थोड़ी सी गेंद को उठाकर अपने साथी खिलाड़ी के लिए गुंजन टूडू। गेंद को अपने कब्जे में करने के बाद विमल कुमार अपने साथी खिलाड़ी राहुल मुखी, राहुल मुखी की एक किक को पूरी तरह से बचाते हुए इस तरह से कॉर्नर किक करने का मौका निश्चित तौर पर टेलको की टीम को संतोष था। हम आपको भी जोड़ना चाहेंगे इस मैच में, बेहतर खेल खेल रही है दोनों ही टीम निश्चित तौर पर। आज प्रथम सेमीफाइनल के तौर पर इन दोनों टीमों के बीच खेल खेला जा रहा है। एसी ब्लैक टेलको जमशेदपुर बनाम जीपीएस एकादश बलरामपुर वेस्ट बंगाल के बीच। जहां तक बात की जाए रिजल्ट की तो 1-0 की बढ़त बनाकर खेल रही है एसी ब्लैक टेलको जमशेदपुर। संतोष दा बिल्कुल हुसैन कमाल का प्रदर्शन किया है यहाँ पर एसी ब्लैक टेलको जमशेदपुर की टीम। वही अगर बात करें हम जीपीएस बलरामपुर वेस्ट बंगाल, ये भी कम नहीं है। बची खुची समय में आपको भी काफी मेहनत करनी होगी, अपने अंदर की जितनी भी कला कौशल है उसको बिल्कुल मैदान पर उकेरना होगा, तब जाकर आप भी बराबरी का गोल दाग सकते हैं। इस क्रम में एक बार फिर से टेलको के खिलाड़ी, बढ़िया मौका जरूर था छीना जप्टी के क्रम में गौरवमुखी अपने साथी खिलाड़ी के लिए। बिल्कुल दाएं छोर से आक्रमण पर जाने की कोशिश के क्रम में गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर। कुल मिलाकर अगर बात किया जाए आज अभी तक आज के इस प्रथम दिन का खेल में हुसैन 14 गोल देखने को मिला है। आज के इस खेल में कुल 14 गोल हुई है, दूसरी गेंद दे दिया जाए। आज इस टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन मिला है, 4 पीला कार्ड यहां पर देखने को मिला है आज के इस प्रतियोगिता में। आप कह सकते हैं कि आज सभी टीमों के खिलाड़ी के द्वारा बहुत ही शानदार प्रदर्शन हुई है, जो भी मैदान के बीचों बीच खूब मेहनत किया है, पसीना बहाया है, वही टीम पाए दन पाए आज के इस प्रतियोगिता में बना हुआ है। निश्चित तौर पर सारे दर्शक भी असमंजस में है कि कौन टीम फाइनल में जाएगी। आज गेंद को कमिटी की ओर भेज दे दर्शक साथ